हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11 सी, क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑलरेडी कर लिए हुए हैं 11 सी के, और 11 ए एंड बी ऑलरेडी पूरी अपलोड हैं। दोनों एक्सरसाइज सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास 8 की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। क्लास 8 ICIC सलीना बुक की प्लेलिस्ट को ओपन करना है, तो आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था। हमारा क्वेश्चन था द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड दिस। जैसे आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये होता है आपका बेस और इसको हम बोलते हैं हाइट, जो एल्टीट्यूड भी है। तो हमें बेस दिया था इतना और एल्टीट्यूड दैट इज़ हाइट इतनी दी हुई थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने बेस और हाइट ऐसे लिख दिया। अब सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इन दोनों बायनॉमियल जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कैसे करना होता है, ए फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होगी उसको सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड टर्म को भी सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हाफ एज इट इज ही रहेगा अभी, तो 3 6 18 एक्स स्क्वायर, 3 5 15 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस, 6 4 24 एक्स इंटू वाई अगेन एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस, 4 5 20 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। और ये हमने सब डिटेल में सीख लिया है कि जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। वाई इसकी पावर भी 1, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पे हम अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो पहले उनको सॉल्व कर लेंगे। 18 स्क्वायर देखिए प्लस माइनस माइनस, 24 में से 15 हमें माइनस करने हैं तो बचेंगे 9x। भाई साइन किसका आता है, ऑलवेज बड़े डिजिट का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ 18x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 20y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई दिस एंड वेरीफाई योर आंसर फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। देखिए कैसे करना है ये सम। सबसे पहले तो हमें इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो सिंपली कोई हमारे पास बाइनोमियल टर्म जो ट्राइनोमियल नहीं मोनोमियल टर्म्स हैं दोनों एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे 6 4 24 एक्स की पावर 2 प्लस 1, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर्स हो गई ऐड, यहाँ भी सेम बेस वाई इंटू वाई, यहाँ पे वाई की पावर 3 है यहाँ पे 1 है, तो 3 प्लस 1 4। तो ये आ गया हमारा आंसर मल्टीप्लाई करके, जो उन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट में बोला था। अब वेरीफाई करना है जब हम इनकी ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हम एज इट इज़ यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था विदाउट मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 2 और y की जगह कितना आने, 1 की पावर 3, देन इंटू 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x की पावर 2, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -4 2 1 इंटू 1 इंटू 1, देन यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 6 4 ज़ा 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया -192। अब देखिए जब हमने सेपरेट दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा ये आंसर आ गया। अब जब आपने जो वैल्यू निकाली थी इनकी मल्टीप्लाई करके 24 x³ y² उसमें पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, यही हमें वेरीफाई करना है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे x की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 2 और y की 1, देन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 टाइम्स करेंगे फिर से 1 आएगा, तो 24 8 ज़ा अगेन -192। देखिए जब हमने सेपरेट वैल्यू पुट की तब भी सेम आंसर आया, जब हमने जो आंसर फाइंड कर लिया था मल्टीप्लाई करने के बाद तब भी हमारा आंसर सेम आया। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि हमारा आंसर सेम आया है, चाहे हमने ऐसे पुट किया और चाहे वैल्यू ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, तीनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू, एंड देन हमारे पास उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3।
अब हम क्या कर सकते हैं, सम में हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या सीधा ही ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 × x की वैल्यू 1 है तो y³ × -5, अगेन x की वैल्यू पुट करते हैं 1, देन यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है 2^2 x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी है 3, ओनली 3 को यहाँ पे इसकी पावर है तो हमने पावर लगा दी। अब यहाँ पे 3 1 × 1 × 1 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है सबके बीच तो यहाँ 1 एज इट इज़, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, देन यहाँ पे 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 × 1 = 1 तो 2 × 1 = 2, जहाँ हम सीधा भी 1 लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, देन अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 3 × 1 = 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई का ही साइन है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 × 1 = 3, देन 4 × 5 = पहले कर लेते हैं 20 और यहाँ पे ब्रैकेट माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं तो 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 5 × 4 = 20, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 27, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होके 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24 और साथ में एक 0 प्लस माइनस माइनस × 27, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 6480 और साथ में माइनस का साइन क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन इवैल्यूएट, हमें इसको इवैल्यूएट करना है और वैल्यू बोली हुई है तो सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। 3 × हो रहा है x^4, हमने इसकी पावर क्या है 1, x की वैल्यू 1 है तो हमने 1 पुट कर दी, मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 2, 2^2 × 2 एज इट इज़, देन अगेन x की वैल्यू 1 है और पावर 2 है इसकी, y की वैल्यू क्या है 2 और पावर 3, देन 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, 2 × 2 = 4, 1 अगेन यहाँ पे एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो 3 × 4 = 12 एंड यहाँ पे 8 × 2 = 16, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 192। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया, सिंपल सही है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और फाइंड कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, अगेन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू, हमने प्लेस पे 1 पुट कर दिया, पावर 2 है और यहाँ पे −2 × 1 तो यहाँ पे आ गया 1 × 3 × 1, देन −2 × 1 तो 3 1 × 1 = 1 तो 1 ही रहेगा तो 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू। अब −4x²y³ × −5x²y⁵। अब सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे करते हैं, अब 2 की x की वैल्यू 2 पावर 2, y की वैल्यू कितनी है 1 पावर 3, देन −5, यहाँ पे x की वैल्यू जो आपके पास है 2 पुट कर दी और y की वैल्यू भी हमने पुट कर दी −4, 2 × 2 = 4, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें सेम ही आएगा 1, −5, 2 × 2 = 4 एंड 1। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है 4 × 4 = 16, माइनस प्लस माइनस 1 × 1 = 1 ही रहेगा, 5 × 4 = 20, माइनस प्लस माइनस तो देन अब आगे क्या करेंगे 16 × 2 = 32, 0 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस तो हमारा आंसर आ गया 320। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट। अब हमारे पास टू वेज हैं अगेन कि हम चाहे पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें देन वैल्यू पुट कर दें, और उससे भी इजी है कि आप सीधा ही वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 3x = 3 × x, x की वैल्यू 2 − 2, यहाँ पे भी लिख दिया 2 + 5, 3 × 2 = 6, −2 यहाँ पे आ गया 7, 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई है, 7 × 4 = 28। ये ज़्यादा इजी वे है, अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते तो हम पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ना था फिर वैल्यू पुट करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगेन विदाउट सॉल्विंग, सीधा ही कर देंगे तो 2 × 2 − 5 × 3, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, अगेन 2 × 2 एंड 3 × 3,
टू टू ज़ा फोर, फाइव थ्री ज़ा 15, एंड यहाँ पे टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री थ्री ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास 11, वो भी माइनस का, क्योंकि आप सबको पता है साइन लगाना होता है बड़े डिजिट का, तो यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा और 9 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 13। अब सिंपली आपको 13 को 11 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ गया 143, माइनस प्लस माइनस। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z, उसकी वैल्यू 1, देन x की वैल्यू 2, 2 की पावर 2, y की वैल्यू 1, इसकी हमारे पास क्या आ गया रेज टू पावर 2, तो बाहर आ गया 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 1 वन ज़ा 1, बाहर कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1 5, 5 टू ज़ा 10, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इवेल्युएट ही करना है, तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ भी 1, 1 माइनस 5 प्लस 2, 1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएंगे तो माइनस 4 बचेगा, साइन आपको सबको पता है बड़े डिजिट का, बस आपने जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं या इवेल्युएट करते हैं ना, आपको ध्यान रखना है जो आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है बोर्ड मास, कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे 1 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, एंड देन 2 ऐड होगा माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2 और साइन बड़े डिजिट का। चलिए अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यू है 2, मैंने 2 लिख दिया, y की वैल्यू 1, तो आ गया 1 की पावर 2, यहाँ पे वैल्यू 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 1, 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट है, तो 5 1 ज़ा 5, देन 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 में से 5 में से 2 जाएंगे तो आपके पास 3 बचेगा और साइन बड़े डिजिट का। देखिए पहले मल्टीप्लाई होगा ना, और गलती से भी इस दोनों को पहले सॉल्व नहीं करा था, अभी तो मैं कह रही हूँ अपने बोर्ड मास याद रखना है, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गए 5 और साइन बड़े डिजिट का। चलिए अब यहाँ देखिए 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, अगेन 3 इंटू 2 माइनस 5, देन माइनस 5, कितना बड़ी स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ भी लिख देते हैं 2 माइनस 2 माइनस 18, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, 2 टू ज़ा 4 ब्रैकेट में 3 टू ज़ा 6 माइनस 5 माइनस 5, 2 में से 2 गए 0, देन माइनस 18, अब 5 सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 6 में से 5 गए 1, देन 5 0 ज़ा 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ ब्रैकेट थी, देन 18, 4 वन ज़ा 4 माइनस 0 माइनस 18, अब 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 18 में से 4 गए, आपके पास बचे 14, वो भी नेगेटिव, क्योंकि 18 बड़ा है, साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है। क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीप्लाई एंड देन वेरीफाई, बाद में वेरीफाई भी करना है, पहले तो उन्होंने हमें बोल दिया मल्टीप्लाई, लास्ट क्वेश्चंस में इवेल्युएट आ रहा था तो हम सीधा वैल्यू पुट कर रहे थे, अब उन्होंने इवेल्युएट नहीं लगा मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² y² को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2y, सबको पता है इसको इससे भी करेंगे और इससे, सबसे पहले इससे करते हैं तो x की पावर 3 हो गई, 2 ऑलरेडी थी तो 2 प्लस 1 3, y स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस साइन का ध्यान देना है, 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, और वाई की पावर 2 थी, प्लस 1 हो गई 3, तो अब हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा आंसर। चाहे आप पॉजिटिव नंबर को पहले भी लिख सकते हैं, 6x² y³ वो पॉजिटिव है, माइनस 3x³ y² आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब आपको करना है वेरीफाई, सबसे पहले हमें डालनी है इनमें वैल्यूज, तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और हमारा आंसर हो जाएगा वेरीफाई। सबसे पहले 6, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, एंड y की वैल्यू है 2, माइनस 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 6 इंटू 1, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 3 इंटू 1, 2 टू ज़ा 4, तो 8 6 ज़ा 48, माइनस 3 4 ज़ा 12, अब 48 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 36। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करना है, हमारे पास जो आंसर आया था हमने इस आंसर में जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था, वैल्यू पुट की तो आई 36। अब देखेंगे अगर हम इनको मल्टीप्लाई ना करते और पहले वैल्यू पुट करते तो आंसर क्या आता, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था ठीक है, ये और ये बिना मल्टीप्लाई किए बस ऐसे ही हमें लिखा, अभी सॉल्व नहीं किया,
तो वैल्यूज़ पुट करते जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो x की प्लेस में 1 और y की प्लेस पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए -3 है ना, तो -3 एज इट इज़ इंटू 1 ज़ा, तो 1 ही रहेगा, 2 ज़ा 4 लिख देते हैं सीधा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और यहाँ पे 2 ज़ा 4 ब्रैकेट में, तो 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गए 3 नेगेटिव, तो 12 3 36 माइनस माइनस प्लस। देखिए जब हमने बिना मल्टीप्लाई की वैल्यू पुट की तब भी 36 आ रहा है, और जब आंसर में वैल्यू पुट की थी तब भी आंसर आपका 36 ही आ रहा है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीप्लाई। अब हम पहले इन सबको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये भी ट्राइनोमियल टर्म है, ये भी ट्राइनोमियल टर्म है, आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म इसमें लिख के और सेकेंड पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, -4x अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 देन प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 देन 2 1 ज़ा 2 एज इट इज़ एक्स की पावर 4 2 प्लस 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स की पावर 3 माइनस 7 2 ज़ा 14 एक्स रेज टू पावर 2 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस ही रहा, यहाँ पे 2 है पावर और टोटल पावर बन गई 3 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 7 ज़ा 28 एक्स देन अगेन 5 1 ज़ा 5 एक्स स्क्वायर प्लस 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 5 3 ज़ा 15 एक्स प्लस माइनस माइनस 5 7 ज़ा 35। अब देखेंगे कोई लाइक टर्म्स है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके जैसा कोई नहीं है पावर 4 तो एज इट इज़ लिख देते हैं, 6x³ ये भी है इसको पहले लिखते हैं, 4x³ और कोई क्यूब नहीं है, माइनस 14x² माइनस 12x² और प्लस 5x², ये सारा लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और कौन सा नंबर है, ये बचता है हमारा x सिंपल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 28x प्लस 15x एंड माइनस 35। चलिए ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, इनको सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2x³ माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ गया 26 साइन बड़े डिजिट का, यहाँ पे नहीं हमारे पास 5x भी बचा है 5x², तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आ गया 43x एंड यहाँ पे माइनस 35 एज इट इज़ 2x की पावर 4 प्लस 2x³ ये रह गया सॉल्व करने वाला, प्लस माइनस माइनस 26 में से 5 गए 21x² और साइन बड़े डिजिट का प्लस 43x माइनस 35 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास ए बी से मल्टीप्लाई कर देना है 3 - 2ab को और -1 से भी कर देना है 3 - 2ab को, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 1 2 ज़ा 2 ab एज इट इज़। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं ना, 3 + 2 तो ये बन गया 5ab माइनस 2a² b² माइनस 3। चलिए हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है 3 टर्म्स है तो किसी भी 2 को पहले कर लीजिए, इन दोनों को कर लेते हैं 5 - x एंड 6 - 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बाद में करेंगे इसके साथ, तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा देन -6 के साथ भी 6 - 5x मल्टीप्लाई, उसको एक बिग ब्रैकेट में भी रखना है क्योंकि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो 5 6 ज़ा 30 5 5 ज़ा 25x 6x ज़ा 6x माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2 - x एज इट इज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये लाइक टर्म्स हैं इनको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस 31x साइन बड़े डिजिट का प्लस 5x². अब आपको इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इससे हम अपनी इस एक्सप्रेशन को जो ट्राइनोमियल है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से भी ये मल्टीप्लाई होगी हमारी एक्सप्रेशन और x से भी, तो -x लिख के भी लिख देते हैं अपनी पूरी एक्सप्रेशन। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 ज़ा 60 देन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 62 प्लस माइनस माइनस x
फाइव टू ज़ा टेन, एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स माइनस माइनस प्लस थर्टी वन एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस फाइव, वन ज़ा फाइव ही रहेगा क्योंकि यहाँ बाहर एक्स है, तो एक्स की पावर आ गई क्यूब टू है और बाहर एक वन भी है, तो आपकी सबसे बड़ी पावर ये है माइनस फाइव एक्स क्यूब हमने लिख दिया। देन दोनों एक्स स्क्वायर है, प्लस 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 थर्टी वन प्लस टेन, तो बन गया 41, साइन बड़े डिजिट का ही रहेगा। देन ये भी लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारे पास 92x साइन बड़े डिजिट का, और नंबर एक ही है हमारे पास 60, तो हमने लिख दिया प्लस 60, तो हमारा आंसर आ गया माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस 41x स्क्वायर माइनस 92x प्लस 60। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है, 11C हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे 11D। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।